वर्ल्ड कप का माहौल है और हमारे साथ वर्ल्ड कप विनर फॉर्मर इंडिया कैप्टन सुरेश रैना है। सुरेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। सबसे पहले जो ये वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया में, क्या लग रहा है आपको, टॉप फोर आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं? इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और एक और पिक करना चाहूंगा, अफगानिस्तान एंड साउथ अफ्रीका। ओके, ये आपकी नजर से वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हो सकती है एक तरीके से। जी बिल्कुल, इस वर्ल्ड कप में आप देखेंगे कि 10 वेन्यू है और 45 डेज के टूर्नामेंट होने वाले हैं और जिस महीने में मैचेस हो रहे हैं ना, तो वो चैलेंजिंग होगा। फास्ट बॉलर की यूनिट थोड़ा दो हफ्ते के बाद काम आएगी, जो आज मैच देख रहे हैं उसका अलग माहौल बना हुआ है। तो लगता है कि कोई सब कॉन्टिनेंटल टीम इंडिया के अलावा भी चैलेंजिंग हो, बिकॉज श्रीलंका ऑलवेज नोन टू प्ले इन द ICC क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, तो वी हैव सीन दैट। और अफगानिस्तान के पैरों के पास वो एक है और उनकी कंट्री को ना ऐसा कुछ जुनून चाहिए अभी वो आगे आने के लिए, और हमने देखा पास में कितना अच्छा गेम है। जैसे 2011 में जब हम वर्ल्ड कप जीते तो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रही, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते जो आखिरी ICC इवेंट रहा, तो इस बार क्या लग रहा है, वो सूखा हुआ इंतजार खत्म हो रहा है घर पर? बिल्कुल होना तो चाहिए, जिस तरीके से हमारी टीम है, रोहित शर्मा अच्छे लीडर हैं और जिस तरह से हमारे बैट्समैन फॉर्म में, जो हमारे बुमराह का कमबैक होना, उसके बाद अश्विन का एक टीम में आना, और हम जो अपना स्टार्ट कर रहे हैं कैंपेन वो ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट कर रहे हैं इन चेन्नई, तो मुझे लगता है कि अश्विन को काफ़ी एक्सपीरियंस है। उसके बाद आप देखेंगे, कहीं ना कहीं मुझे लगा चहल आना चाहिए था, क्योंकि हर टीम में दो दो लेग स्पिनर है। हमारे पास जो रिस्ट स्पिनर है वो कुलदीप यादव, मेरे लिए कुलदीप यादव होंगे ट्रंप गार्ड। अच्छा, 2011 वर्ल्ड कप में जब सुरेश रैना की एंट्री हुई थी टीम में, तो टीम एकदम से कंप्लीट हो गई और जो रोल आपने निभाया था वो फिनिशर वाला, युवराज सिंह ऑब्वियसली जबरदस्त फॉर्म में थे, तो उस रोल में आप कैसे देख रहे हैं इस बार, क्योंकि रविंद्र जडेजा के थोड़े से बैटिंग फॉर्म को लेकर सवाल उठ रहे हैं हाल फिलहाल में? नहीं, वो तो बहुत अच्छा कर रहा है रविंद्र जडेजा, और हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, उसके बाद आप देखेंगे कुलदीप यादव, लेकिन जो तुरुप का इक्का होगा ना, शुभमन गिल। शुभमन जिस लाजवाब फॉर्म में वो चल रहे हैं, चाहे वो आप देखेंगे 12 महीने में 60 से 70 के बीच का एवरेज है, 200 रन बना चुके हैं और 50 ओवर में उनको पता चल गया, जिस तरह से विराट के साथ टाइम स्पेंड कर, और रोहित के साथ बैटिंग कर रहे हैं और रोहित भी 200 बनाते हैं और गिल ने ही बनाया हुआ है, तो वो ओपनिंग जो साझेदारी ने सचिन पाजी और वीरू भाई की होती थी 2011 में, उसके बाद देखेंगे दादा और सचिन पाजी की होती थी, तो ये जो जोड़े हैं ना रोहित और गिल की, तो काफ़ी सारे लोगों का दिल जीतेगी। सचिन पाजी की आपने बात करी, क्योंकि तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो आपका भी उनके साथ एक वाक्य रहा था ड्रेसिंग रूम में, जिसके बाद आपने गेम चेंजिंग नॉक खेली जाकर फील्ड पर, तो वो थोड़ा सा शेयर करेंगे आप? इंपॉर्टेंट मैच था, क्वार्टर फाइनल, करो मरो की स्थिति थी, तो जीतना ही था वो, तो जैसे आप बैठे हो पाजी राइट में बैठे थे, मैं पैडल करके बैठा हुआ था, तो मैंने बोला कि आप जाओ मैच जिताओ, क्योंकि मैं पहला मैच खेला था यूपानी, इसमें 100 बनाया था वेस्ट इंडीज वाला, मैं वहाँ पर खेला, तो लास्ट के कुछ ओवर थे, उतना बना नहीं हो, एक विकेट जरूर लिया था, तो एक जो एक गूस बम था, जो बटरफ्लाइज थी वो ऑलरेडी जा चुकी थी, लेकिन जब मोटेरा स्टेडियम में गए, डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ आप खेल रहे थे, तो मुझे पता था कि किस तरह का परफॉर्मेंस करना है क्या, और ऑलरेडी मैं इतना खेला हुआ था तो मुझे एक्सपीरियंस था उस स्लॉट में, तो इसीलिए मेरा चैन और परफॉर्मेंस तो बनता है। अच्छा, लीडिंग रन स्कोरर और लीडिंग विकेट टेकर की प्रेडिक्शन क्या रहेगी सुरेश रैना की? मुझे लगता है टॉप थ्री होंगे, जो होंगे गिल, डेविड कॉनवे और बेयर स्टो, तो कुछ ऐसे प्लेयर आएंगे जो मिडल ऑर्डर में अलग होगा, क्योंकि रूल अभी चेंज हो गया है, 5 फील्डर अंदर होते हैं 40 ओवर तक, उसके बाद क्वार्टर फाइनल नहीं है इस वर्ल्ड कप में, तो डायरेक्ट आप सेमीज में एंट्री करोगे, तो यह मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल ही नहीं है, आप जहाँ प्रेशर होगा वहीं मैच हार जाओगे, तो यहाँ पर थोड़ी सी कामनेस बहुत जरूरी है, जैसे वी हैव सीन दैट इन MS धोनी, जब वो कप्तान थे, काम रहे, जैसे ही फाइनल आया पैड पहन के छक्का मार के हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप जिताया, क्योंकि उनको पता था मैं कर सकता हूँ, तो वैसा आत्मविश्वास चाहिए, वैसी कामनेस चाहिए और शालीनता चाहिए, क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, एग्रेसिव से नहीं होगा, आपको एक अलग तरह का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, पर हमारी टीम में काफ़ी सारे बैटर हैं, मुझे लगता है गिल हो गया, उसके बाद विराट हो गया, रोहित शर्मा हो गया, लेकिन जो तुरुप का इक्का होगा कुलदीप यादव जैसे मैंने बोला, लेकिन सूर्य कुमार यादव 40 से जो 50 ओवर के बीच की जो बैटिंग होगी ना, वो धोनी भाई के अलावा कोई कर सकता है तो वो सूर्य कुमार यादव। अच्छा, धोनी भाई का आपने क्योंकि जिक्र किया और आखिरी बार जब वर्ल्ड कप जीते थे महेंद्र सिंह धोनी की ही कप्तानी में, तो 2011 वर्ल्ड कप जीत का कुछ एक ऐसा किस्सा जो अभी तक आपको लगता है कि वो पब्लिक के साथ नहीं शेयर हुआ है, कुछ ऐसी कोई किस्सा, कोई कहानी? पब्लिक के साथ शेयर नहीं हुआ वो है वर्ल्ड कप ट्रॉफी, मेरा पर कोई एक ऐसा ड्रेसिंग रूम में कोई तो होगा किस्सा जो आप अभी तक नहीं है, जैसे सपोज MS धोनी, क्या कुछ डिस्कशन हुई थी कि मैं आप बाल कटवा दूंगा, या वो एक सरप्राइज था कि आप एकदम से आए और ये कौन है भाई MS धोनी, आपके बाल कहाँ चले गए? वो मन्नत होती है वो जीतने के बाद, जब आप मंदिर जाते होंगे वहाँ कुछ मांग के आते होंगे, सबकी अपनी अपनी एक विश्वास होता है चीजों में, उसको लगा होगा एक
झारखंड में एक मंदिर है देवी माँ का, तो उसके लिए उन्होंने कुछ मांगा था, तो वर्ल्ड कप जिताया देश को, वो भी इतने सालों के बाद। बाल तो कुछ नहीं, मैं तो अपना सर कटवा देता। अच्छा, वर्ल्ड कप को लेकर जो एक फैंस के बीच में एक जो इंतजार रहता है, बतौर खिलाड़ी आप कैसे देखते हो और आप उन हार्ट ब्रेक्स को कैसे डील कर पाते हो? क्योंकि एक इंतजार लग रहा है, हमें लगता है कि सेमीफाइनल फाइनल हम जा तो रहे हैं वहां पर, और वहां पर क्योंकि उन क्रंच मोमेंट्स में, जैसे आपने बताया कि सचिन पाजी से आपकी बात हुई, उन्होंने वो कॉन्फिडेंस दिया आपको और इंडिया ने वो बड़ी स्टेजेस पर किया उस टाइम पर, 2011 2013 में इतने सवाल थे टीम पर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप रोहित शर्मा और टीम इंडिया को कि प्रेशर से कैसे डील करें? एंजॉय द गेम, एंजॉय द वर्ल्ड कप। और रोहित शर्मा पहली बार लीड कर रहे हैं वर्ल्ड कप में, दो ही मिस्ड आउट इन 2011, तो ही नोज कि इंपॉर्टेंट कितना है वर्ल्ड कप एज ए कैप्टन एज ए प्लेयर। और दो प्लेयर हैं ऑलरेडी जिन्होंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को छुआ हुआ है, वो विराट कोहली हैं, अश्विन है। तो रोहित शर्मा चाहेंगे कि दोबारा वो ट्रॉफी वानखेड़े स्टेडियम में जाए जहाँ पर हम जीते थे वो ट्रॉफी। और फिर तो आपको पता है कि हिंदुस्तान में किस तरह से क्रिकेटर को इस्तकबाल करते, किस तरह से फैंस चीयर करते। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।